हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट के एडवांस वेब डिजाइनिंग में जो 6 नंबर एसओपी हम लोगों को दी गई है, इस 6 नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने 6 नंबर एसओपी यहाँ पे ओपन की हुई। 6 नंबर एसओपी रीड करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर यहाँ पे आप लोग साइंस फील्ड से हो तो यहाँ पे आप लोगों की जो न्यू टेक्स्ट बुक में आप लोग क्वेश्चन कुछ इस टाइप में यहाँ पे शो होगा। अदरवाइज आप लोगों की अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कुछ इस टाइप में यहाँ पे शो हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे चेंजेस दिए गए, तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में जो चेंजेस है ये मैं आगे आप लोगों को प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉमर्स फील्ड के हो तो कॉमर्स फील्ड के न्यू टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया हुआ है, लेकिन अगर चेंज किया हुआ नहीं तो ये जो सेकंड आप लोगों को यहाँ पे जो स्क्रीन शो रही ये क्वेश्चन आप लोगों का आपके टेक्स्ट बुक में शो होगा, मतलब न्यू टेक्स्ट बुक और ओल्ड टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन यहाँ पे चेंजेस है। फर्स्ट पैराग्राफ में कोई चेंजेस आप लोगों को शो नहीं होंगे, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे चेंजेस शो होंगे जो मैं आगे आप लोगों को प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने एसओपी 6 का क्वेश्चन रीड करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे हम लोग को दिया गया है यूज ऑफ वीडियो ऑन वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल फाइल। वेब पेज हम लोग क्रिएट करना है यूजिंग एचटीएमएल फाइल में, और उसके ऊपर हम लोग को यूज करना है वीडियो, मतलब वहाँ पे हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर वीडियो एक शो करना है। इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है क्रिएट अ वेब पेज नेम वीडियो डॉट एचटीएमएल। फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका नेम हम लोग को देना है वीडियो डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे हम लोग अपने एचटीएमएल की एक फाइल क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए यहाँ पे विंडो की प्रेस कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे वीएस। वीएस टाइप करने के बाद में विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप लोग शो होगा। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कोडिंग आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है, जो प्रीवियस वीडियो थी एसओपी 5 की उसमें हम लोगों ने ये प्रोग्राम क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो की लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे audio1.html इस फाइल को हम लोग क्लोज कर देंगे, और जो ऑडियो फाइल थी इसे भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बाकी एसओपी 1 से लेकर एसओपी 5 के सभी के मैं आप लोगों को वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप लोग देख लेना। अब हम लोग यहाँ पे एसओपी 6 को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे दिया गया क्रिएट अ वेब पेज नेम वीडियो डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे हम लोग एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर देंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसका नेम दे देंगे वीडियो, और एचटीएमएल ये उसका एक्सटेंशन दे देंगे। एचटीएमएल एक्सटेंशन देना हम लोग के लिए कंपलसरी है अगर हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद में वीडियो डॉट एचटीएमएल ये फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देंगे और एंटर कर देंगे, तो एचटीएमएल का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग के सामने यहाँ पे शो होगा, जिसमें हम लोग फिलहाल ये मेटा जो टैग आप लोग यहाँ पे शो रहा है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। और जो एचटीएमएल के अंदर लैंग ये आप लोग दोगे या नहीं दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को कोडिंग समझने के लिए मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर रहा हूँ। बाकी अगर मेटा टैग भी अगर हम लोग यहाँ पे रख देते तो भी यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता, आप लोगों का आउटपुट सही से शो हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोडिंग ज्यादा जंबलिंग ना हो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल का स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देंगे। ये हम लोगों की सिंगल फाइल है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो का सोर्स सिंगल फाइल देने वाले, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ये सिंगल वीडियो फाइल, ये इसका यहाँ पे टाइटल में नेम दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग में आ जाएंगे, बॉडी टैग में आने के बाद में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करे इस प्रोग्राम स्क्रीन को मैं हाफ स्क्रीन कर दूंगा, और जो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है इसे भी हम लोग यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देंगे। हाफ स्क्रीन करने के बाद में एक साइड आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन सही से शो होगा और एक साइड आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम सही से शो होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लोर को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आगे हम लोग रीड कर देंगे, टू डिस्प्ले अ वीडियो फाइल ऑन वेब पेज। अब हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है वीडियो फाइल, तो वीडियो फाइल डिस्प्ले करने के लिए बॉडी टैग में आप लोगों को वीडियो ये टैग यूज करना है, जैसे आप लोग अगर ऑडियो यूज करना है तो आप लोग ऑडियो टैग लोगे, और अगर आप लोग वीडियो शो करना है तो वीडियो टैग लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे, और वीडियो टैग के बीच में आप लोगों को इनसाइड यहाँ पे आप लोग एक न्यू टैग यूज करना है जिसे कहा जाता है सोर्स टैग। तो यहाँ पे हम लोग सोर्स टैग दे देंगे, एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और ये सोर्स टैग के अंदर यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है और स्पेस देना है, और यहाँ पे लिखना है SRC, फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, जिसमें हम लोग जो भी वीडियो यहाँ पे अटैच कर देंगे सेम वीडियो हम लोगों के वेब पेज पे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने वीडियो पहले से डाउनलोड की हुई है, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पे चला जाऊंगा, फाइल एक्सप्लोर पे आने के बाद में जैसे यहाँ पे डाउनलोड में चले जाएंगे तो यहाँ पे मेरी फ्लैग MP4 ये फाइल यहाँ पे शो होंगी। अब यहाँ पे ये फ्लैग MP4 है, या जिससे आप लोग जो भी वीडियो डाउनलोड करना है या वीडियो कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने HTML 5 की जो सीरीज है जिसमें वीडियो टैग की वीडियो मैंने आप लोग के लिए क्रिएट की हुई, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है कि वीडियो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इस वीडियो की लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है,
तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्लैग MP4 है इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट किए कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और जिस लोकेशन पे हम लोगों ने video.html फाइल क्रिएट की हुए इस लोकेशन पे हम लोगों से पेस्ट करेंगे। जैसे लोकेशन सिर्फ आप लोग फाइल नेम पे चले जाना तो यहाँ पे लोकेशन आप लोग देख सकते हैं डी ड्राइव में HTML नेम का फोल्डर है, उसमें SOP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर video.html ये फाइल हम लोगों ने दी हुई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्क्रॉल डाउन कर देंगे यहाँ पे लोकल डिस्क डी ड्राइव पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे जिसमें हम लोग HTML नेम का फोल्डर, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, SOP नेम का फोल्डर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं video.html जो फाइल हम लोगों ने क्रिएट की हुई ये फाइल आप लोगों को यहाँ पे शो होंगी। अब इस लोकेशन पे हम लोग जो फ्लैग फाइल कॉपी किए इसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ये हम लोग की MP4 फाइल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइल हम लोगों की यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम लोगों ने सही से किए। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे और SRC में सिर्फ आप लोग अगर FA टाइप कर देंगे जो फाइल का फर्स्ट लेटर है आप लोगों का, तो फ्लैग आप लोगों को यहाँ पे सही से शो होगा, आप लोग यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे पूरा नेम इसका यहाँ पे सही से टाइप कर सकते हैं MP4 के साथ में हम लोग टाइप कर देंगे विद एक्सटेंशन, उसका सेकंड एट्रीब्यूट इसके अंदर ले लेंगे टाइप एट्रीब्यूट। अब टाइप एट्रीब्यूट में ये हम लोग टाइप कौन सा थे, वीडियो फाइल हम लोग की स्लैश इसका एक्सटेंशन MP4 है तो MP4 हम लोग यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे और इस फाइल को हम लोग यहाँ पे रन करने ले, तो रन करने के लिए यहाँ पे हम लोग गो लाइव यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल फंक्शन की F5 प्रेस कर देंगे। F5 प्रेस करने के बाद में जो भी आप लोगों को ब्राउजर लेना है आप लोग क्रोम या एज इसमें से कोई भी एक ब्राउजर ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे वेब ऐप क्रोम पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में ये प्रोग्राम हम लोग का रन हो जाएगा और एक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो आप लोग यहाँ पे शो होंगी जो फ्लैग की थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग प्ले पॉज ये कंट्रोल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं इसे हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग जो वीडियो टैग है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसे कहा जाता है यहाँ पे एक कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट दे देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कंट्रोल्स आप लोग यहाँ पे होंगे, जैसे प्ले करना है आप लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं या पॉज करना है आप लोग यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, या जैसे आप लोग यहाँ पे साउंड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे या स्क्रीन आप लोग मैक्सिमाइज करना है ये आप लोग यहाँ पे ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे आप लोग ये शो कर सकते हैं, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग जो शो हो रही है जैसे मैं यहाँ पे इसकी साइज अगर मैक्सिमाइज करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी आप लोग ये वीडियो यहाँ पे शो हो रही, बाकी आगे आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ इसकी साइज हम लोग कम भी करेंगे, फिलहाल मैं इसे हाफ स्क्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे उसके आगे जो दिया हुआ है। अब यहाँ तक हम लोगों का हुआ वीडियो हम लोगों ने अपने वेब पेज पे शो की एंड प्ले ऑटोमेटिकली, अब जो यहाँ पे हम लोगों ने जो वीडियो दी हुई है यहाँ पे जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये जो वीडियो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस कंट्रोल्स एट्रीब्यूट्स के आगे एक और एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे कहा जाता है ऑटो प्ले। तो यहाँ पे ऑटो प्ले ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे और यूज करने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोगों की वीडियो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएंगे, जैसे से हम लोग यहाँ पे पॉज कर देंगे तो यहाँ पे ये चीज आप लोग समझ गए कि अगर आप लोग ऑटो प्ले एट्रीब्यूट दोगे सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप लोगों की जो भी यहाँ पे जो वीडियो है जैसे ऑडियो में भी हम लोगों ने ऑटो प्ले यूज किए थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है, लेकिन जैसे आप लोगों ने ऑटो प्ले एट्रीब्यूट सही से यूज किए लेकिन आप लोग जैसे रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आप लोग की ऑडियो जो भी आप लोग या फिर वीडियो है अगर ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो क्रिएट की हुई, तो इस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों का आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो वहां पर जाके आप लोग देख लेना कि अगर आप लोग ऑटो प्ले सही से वर्क नहीं कर रहे तो आप लोग ये सॉल्यूशन वहां पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है साइज के बारे में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोगों की यहाँ पे जो भी वीडियो ये प्ले हो रही है उसके आगे दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ वीडियो एरिया शुड बी 150x150 पिक्सल। अब यहाँ पे 150x150 हम लोग यहाँ पे पिक्सल हम लोगों का जो वीडियो है इसकी साइज हम लोगों को देना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑटो प्ले के बाद में एक और एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे कहा जाता है यहाँ पे हाइट, तो यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट ले लेंगे और जिसमें हम लोग यहाँ पे 150px यहाँ पे इसकी साइज दे देंगे। उसके बाद में हम लोग विड्थ के बारे में भी दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग विड्थ ये एट्रीब्यूट दे देंगे और यहाँ पे भी टाइप कर देंगे 150px। टाइप करने तो कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग अपने आउटपुट में आ जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे ऑटो प्ले की वजह से यहाँ पे तो हम लोगों की वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है, लेकिन जो उसकी साइज है यहाँ पे 150x150 दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगी जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग को दिया गया है क्रिएट अनदर वेब पेज विच वीडियो प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स फाइल फॉर्मेट फॉर दिस सेम वीडियो फाइल दैट प्लेज अ वीडियो विद कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्रिएट अनदर वेब पेज, अब हम लोग और एक वेब पेज क्रिएट करना है तो इसके लिए हम लोगों ने जो ये वीडियो फाइल यहाँ पे रन किए थे इसे यहाँ पे पहले स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से एक न्यू फाइल ले लेंगे, तो यहाँ पे न्यू फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे इस फाइल का नेम हम लोग दे देंगे video1.html, जो प्रीवियस एसयूपी थे उसमें हम लोग को यहाँ पे दिया गया था कि audio1.html फाइल नेम देना है। अब यहाँ पे कोई दिया हुआ नहीं कि हम लोग फाइल का नेम क्या देना है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे video1.html फाइल नेम ले रहे। उसके बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो फाइल हम लोगों ने क्रिएट की थे, तो इसका जो पार्ट है जितना भी आप लोगों यहाँ पे टैग शो रहे पूरा हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे और video1.html इसमें हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों के मल्टीपल वीडियो फाइल यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे मल्टीपल वीडियो फाइल, बस ये टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में आप लोग क्लियर कर दूं, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स फाइल हम लोग फॉर्मेट फॉर द सेम वीडियो फाइल, जो वीडियो फाइल है इसे मल्टीपल फॉर्मेट हम लोग क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, या फिर आप लोग उसका एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग को रिनेम करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों फिर से आप लोग क्लियर कर दूं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग गूगल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग गूगल टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देंगे कन्वर्ट। अभी कन्वर्ट हम लोग करना है कौन सी फाइल, तो हम लोग ये MP4 फाइल है, MP4 हम लोग को इसे कन्वर्ट करना है वेब एम में, तो यहाँ पे वेब एम हम लोग टाइप कर देंगे और यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग कर देंगे, यहाँ पे मैं फ्री है इसे टाइप कर देता हूँ। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट वेबसाइट के लिंक यहाँ पे शोर इस पर क्लिक कर देंगे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसका जो भी फाइल आप लोगों की, जैसे डाउनलोड में हम लोग की फाइल है, डाउनलोड में चले जाएंगे और ये फ्लैग नाम की फाइल है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लोडिंग ले लेंगे, जैसे यहाँ पे डन होगा तो ये हम लोग फाइल अपनी डाउनलोड कर देंगे। जैसे डन हुआ, डन होने के बाद में हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो फोल्डर आइकॉन दिया हुआ है शो इन फोल्डर, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लैग नेम सेम है आप लोग फाइल का, लेकिन उसका एक्सटेंशन अब यहाँ पे चेंज है, तो इस फाइल को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट कर देंगे। और यहाँ पे जो हम लोग की डी ड्राइव में एचटीएमएल नेम का फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग एसओपी फाइल है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल हम लोग यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब इस फाइल का सोर्स हम लोग अपने प्रोग्राम में देना है, इसके लिए हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट सोर्स हम लोगों ने फ्लैग MP4 का है। अब यहाँ पे जो सोर्स हम लोगों ने यूज किया टैग, इसे हम लोग पूरा कॉपी कर देंगे और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जैसे हाइट विड्थ जो हम लोग का पार्ट है फिलहाल इसे रिमूव कर देंगे, ऐड टू प्ले इसे भी यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो वीडियो फाइल है यहाँ पे फुल स्क्रीन में पहले आप लोग यहाँ पे शो होंगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आप इसे कॉपी की यहाँ पे पेस्ट की, अब यहाँ पे जो फ्लैग फाइल है हम लोगों की, इसका जो एक्सटेंशन है अब हम लोग यहाँ पे दे देंगे वेब एम, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेब एम ए फाइल हम लोग यहाँ पे दे देंगे जो सोर्स फाइल होंगे हम लोगों की। और यहाँ पे वीडियो स्लैश यहाँ पे MP4 की जगह पे यहाँ पे दे देंगे वेब एम, वेब एम दिए कंट्रोल एस के। कंट्रोल एस करने के बाद में इस प्रोग्राम को हम लोग को रन करना है, तो यहाँ पे फंक्शन की F5 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे फिर से आप लोग क्रोम चाहिए एज चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेना। हम लोग जैसे यहाँ पे क्रोम में से ओपन कर रहे हैं, तो क्रोम में लेने के बाद में यहाँ पे आप लोग देखोगे ये वीडियो कुछ इस टाइप में आप लोगों को यहाँ पे शो होंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे जब टू सोर्स फाइल हम लोगों ने दिए हुए तो यहाँ पे टू वीडियो फाइल शो होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से यहाँ पे नीचे तक मैं ले रहा हूँ स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही फाइल यहाँ पे आप लोगों को शो रही। तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, ये सोर्स का मतलब है कि जो फाइल आप लोगों की फर्स्ट MP4 है, अगर ये ब्राउजर में अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पे सेकंड जो फाइल आप लोगों ने सोर्स दिया हुआ है flag.webm, तो ये फाइल वहाँ पे आप लोगों की रन होंगी। तो यहाँ पे इसका यूज यही है कि आप लोग एक सोर्स फाइल दो या मल्टीपल सोर्स फाइल दो, यहाँ पे आप लोग की एक ही वीडियो रन होंगी, लेकिन इसका मतलब है कि आप लोगों की फर्स्ट वाली फाइल अगर सपोर्ट नहीं होगी तो सेकंड फाइल वहाँ पे रन होगी, सेकंड फाइल सपोर्ट नहीं होगी थर्ड वाली फाइल वहाँ पे रन होगी। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जो सोर्स दोगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्राउजर के सपोर्ट के लिए, ब्राउजर के समझने के लिए यहाँ पे आप लोग मल्टीपल सोर्स फाइल यहाँ पे देते हैं। लेकिन अभी के जो एडवांस लेवल के ब्राउजर इतने हुए हैं कि यहाँ पे आप लोग कोई भी फाइल का फॉर्मेट दे दो यहाँ पे ये फाइल आप लोगों की सपोर्ट होती है। तो इसलिए आप लोगों का जो ओल्ड क्वेश्चन था इसे चेंज करके न्यू क्वेश्चन आप यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, जिसे आगे हम लोग अब इसे क्लियर कर देंगे। जैसे फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे प्लेस विद कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स हम लोगों ने यूज किया और वीडियो भी हम लोगों ने अपना प्ले किए। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आगे दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ वीडियो एरिया शुड बी 300x300 पिक्सल। अब यहाँ पे 300x300 पिक्सल हम लोगों को लेना है। अब यहाँ पे ऐड टू प्ले वगैरह बोला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ऐड टू प्ले यूज करना है आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हाइट और विथ, ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हाइट में 300px ये यहाँ पे इसकी साइज दे देंगे और जो यहाँ पे विथ है विथ की भी सेम हम लोग यहाँ पे साइज दे देंगे 300px। देने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे और हम लोग अपने आउटपुट में आ जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप में यहाँ पे वीडियो आप लोग शो होंगी। आप लोग यहाँ पे ऑटो प्ले यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले हो जाएंगे रिफ्रेश जैसे ही करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ऑटो प्ले यूज किया हुआ नहीं एट्रीब्यूट,
तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद में प्ले ऑटोमेटिक हो नहीं रही है, जैसे हम लोग यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा। ये प्ले करने के बाद में ये वीडियो प्ले हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे पॉज करूंगा तो वीडियो ये पॉज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे ऑटो प्ले एट्रीब्यूट आप लोग दे भी सकते हैं, और ऑटो प्ले एट्रीब्यूट नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, द कोड मस्ट बी इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ वीडियो फाइल्स फॉर्मेट लाइक वेब MP4 और OGG। जैसे वेब एम ये हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट किए, जो ऑनलाइन मैंने आप लोगों को बता दिया ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे दिया MP4 चाहिए या फिर OGG चाहिए, तो MP4 में हम लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन जैसे अगर आप लोगों को OGG में चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ पे ओपन है, तो जैसे हम लोग ये जो MP4 है इस पे सिर्फ आप लोग राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है या कंट्रोल सी कर देना और कंट्रोल वी कर देना पेस्ट के लिए। बाकी इसे रिनेम करना है, फंक्शन की F2 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे जो फाइल का ये जो कॉपी आगे दिया हुआ है इसे हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, फ्लैग रख देंगे, और एक्सटेंशन MP4 था यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे OGG दे देंगे। OGG देने के बाद में एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू चेंज इट। तो यहाँ पे एस बटन पे क्लिक कर देंगे, एस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये flag.ogg ये फाइल आप लोगों की चेंज हो जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, जो मैंने आज के वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर किया हुआ है कि ऑनलाइन भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे आप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए ये जो आप लोगों को न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला पार्ट। अब सेकंड पैराग्राफ में जो आप लोगों को ओल्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओल्ड क्वेश्चन में द डायमेंशन ऑफ वीडियो एरिया शुड बी 100x100 पिक्सल। तो यहाँ पे 100x100 पिक्सल चाहिए था और यहाँ पे न्यू क्वेश्चन में 300x300 पिक्सल है, जो मैंने आप लोग यहाँ पे क्लियर किया। सिर्फ आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो हाइट है यहाँ पे आप लोग को 100px 100px देना है, बस ये चेंजेस आप लोग करना है। आप लोग दोगे तो सिर्फ वीडियो की जो फाइल साइज आप लोग को आउटपुट में शोर दें उसकी साइज यहाँ पे कम होगी। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट इसके आगे दिया हुआ है द ब्राउजर शुड डिस्प्ले द मैसेज विद एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट व्हेन ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर। अब यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर दूं, ये ओल्ड क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को जो SOP 5 का क्वेश्चन था सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसके वजह से यहाँ पे जैसे देखेंगे ये ऑडियो फाइल आप लोग यहाँ पे शो रहा है, जैसे मैंने आप भी यहाँ पे रीड किया यहाँ पे व्हेन ऑडियो फाइल है जबकि यहाँ पे वीडियो फाइल है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होगा द ब्राउजर शुड डिस्प्ले द मैसेज विद एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट व्हेन वीडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर। तो ये यहाँ पे सही से यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑडियो की जगह भी यहाँ पे वीडियो है, ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब उसके आगे जो लाइन है ये तो सब कुछ सेम है, द कोड मस्ट इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ वीडियो फाइल्स फॉर्मेट लाइक वेब एम MP4 और OGG। अब यहाँ पे मैं इसका पहले आप लोगों को सोल्यूशन बताऊँ कि अगर ओल्ड का आप लोगों का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोग जो मैसेज आप लोगों को वेब पेज के ऊपर शो करना है तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग एंटर कर दोगे और एंटर करने के बाद में सिर्फ आप लोग यहाँ पे मैसेज शो करोगे वीडियो फाइल is not supported by browser, बस आप लोग ये टाइप कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के वेब पेज जो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो इसमें जो फाइल आप लोगों ने सोर्स टैग में दी हुई तो यहाँ पे ये फाइल आप लोगों के ब्राउजर में, जैसे आप लोग यहाँ पे ब्राउजर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं करती है तो यहाँ पे फाइल में जो मैसेज आ जाएंगे आप लोगों को वीडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, ये टेक्स्ट मैसेज सिर्फ आप लोग यहाँ पे शो होगा। लेकिन जो अभी के जो एडवांस लेवल के जो ब्राउजर चल रहे हैं इसमें सब में ये वीडियो आप लोगों की प्ले हो जाएंगे। पुराना जो ओल्ड वर्जन का जो एक ब्राउजर था जिसे इंटरनेट एक्सप्लोर बोला जाता था उसे भी यहाँ पे अपडेट करके माइक्रोसॉफ्ट एज किया हुआ है, तो ये भी अब एडवांस लेवल का एक ब्राउजर है जिसमें आप लोग यहाँ पे जो भी फाइल आप लोग यहाँ पे दे दोगे ये यहाँ पे सपोर्ट होती है उस ब्राउजर को। तो इसके लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया हुआ है और ये क्वेश्चन यहाँ से अब रिमूव किया हुआ है इतना पार्ट, और न्यू क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किए तो ओल्ड बुक के हिसाब से अगर क्वेश्चन है तो आप लोग इसका आंसर में ये वाली लाइन टाइप कर देना, अदरवाइज ये लाइन के हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइन आप लोग नहीं भी टाइप करोगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा। न्यू टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूँ, इससे मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँ। स्टॉप करने के बाद में जो फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे कोडिंग की हुई video.html यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं video.html ये यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हम लोगों ने कोडिंग की हुई जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एट्रीब्यूट लिए। सेकंड पैराग्राफ में जो हम लोगों को दिया हुआ है सेकंड वेब पेज हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए video1.html जिसमें ये कोडिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज किए सही से, हाइट विड्थ भी सही से दिए, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स फाइल हम लोगों ने यूज किए हुए। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल सोर्स फाइल यहाँ पे दे देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे 6 नंबर SOP को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।